श्री राम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भक्तों का विशाल जनसमूह आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस जगह से इस ओवर ब्रिज के माध्यम से यहाँ टेढ़ी बाजार पहुंचेंगे। मेरी मौजूदगी है टेढ़ी बाजार पर, इस जगह पर पहुंचेंगे और अगर अपने वो फोर व्हीलर से हैं तो इस जगह पर पार्किंग की बहुत खूबसूरत व्यवस्था है, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पार्किंग व्यवस्था। उसी के साथ साथ इधर एक खूबसूरत सी मार्केट भी डेवलप करी गई है। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा दिखाएं, एक खूबसूरत सी मार्केट भी डेवलप करी गई है। यहाँ पर पूरी तरह से सुसज्जित है ये मार्केट, सुसज्जित है ये अत्याधुनिक सुविधाओं से ये पार्किंग। देखिए ओवरब्रिज देखिए, इसी रास्ते से चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, राम भक्त हो, जो भी अयोध्या आएंगे इस मार्ग से अंदर आएंगे और टेढ़ी बाजार पे आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये वो जगह है जिसको हम टेढ़ी बाजार के नाम से जानते हैं। और ये जो मार्ग देख रहे हैं आप, ये राम पथ है। इस राम पथ के रास्ते से ही आप सीधे चलेंगे तो आगे चलकर आपको राम जन्मभूमि पथ मिलने वाला है, जिस मार्ग से चलकर आप अपने रामलला का भव्य दर्शन करने के पाएंगे, भव्य दर्शन करेंगे, जहां पर भव्य और भगवान श्री राम का मंदिर विराजमान है, जहां पर रामलला 5 जनवरी को विराजित होने वाले, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आप देखिए कितनी तैयारियां हैं और कितनी तेजी के साथ तैयारी की जा रही है। आप तस्वीर में देखिए कितनी तेजी के साथ यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। एक एक तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, बड़ी तेजी के साथ तैयारियां की जा रही है और इसी मार्ग से चलकर सभी राम भक्त अपने राम लला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि पथ पहुंचने वाले हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.